अब हम चुनाव यात्रा करते करते सिवान पहुंच चुके हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं आशीष सिंह एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ। बता दें कि हम चुनावी यात्रा में सिवान जिले में हैं, जहाँ कल चुनाव होने हैं। और चुनाव से पहले आज हम प्रतापपुर में आए हैं, जहाँ पे हीना साहब जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो लड़ने के लिए यहाँ से यही उनका घर है, वहाँ चलेंगे। सफर में आगे बढ़े, प्रतापपुर पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज आचार संहिता लागू हो गया, हमारी ट्रेन लेट होने की वजह से आज हीना साहब हमसे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कुछ उनके समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का माहौल है। क्या नाम सर आपका? हमारा दिनेश यादव नाम। सर किस तरीके का माहौल है इलेक्शन को लेकर के और हीना साहब को लेकर के? माहौल क्या है, माहौल जो लालू जी हैं, लालू जी को देखते हुए जितना हम लोग जादो हैं, लालू जी के साथ हैं, हीना साहब उनका कैंडिडेट हैं, हम लोग उनके साथ हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए सिवान में? अभी हम रास्ते में थे, कहीं रुके, हम बात भी किए, तो उनका उनका ये कहना था कि जो है कि भाजपा की सरकार में, जैसे जो पहले आरजेडी की सरकार था जब, तो उस वक्त डॉक्टर्स की जो है कि कैपेबिलिटी अधिक थी, वो रात के 12 बजे भी देख लिया करते थे, लेकिन अभी मनमानी कर रहे हैं, ये चीज़ सही है? ये तो सत बात है। सत बात ये है कि मान लीजिए कि शोषण हो रहा है सब, और रोड की बात होती है कि रोड विकास नहीं हो रहा है, सर सही है? कहाँ विकास हो रहा है, विकास तो कोई नहीं हो रहा है। जैसा मान लो कि 15 वर्ष पहले हम लोग देखे थे, वैसा ही आज भी देख रहे हैं हम। ठीक है, अगली सवाल, कितनी वोटों से जीत सकती हैं आपके हिसाब? अब ये तो देखिए, दो वोट से जीते हैं, लेकिन उनको जीतना तय है, एकदम तय है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम ध्यान पहलवान, जादूपन से आते हैं ग्वालबन से। जी सर, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव लड़ने के? अगर प्रतिनिधि को चुनाव लड़ रहा है तो क्या क्या मुद्दे सिवान में होने चाहिए, जो जिसकी कमियां सिवान में? सामाजिक न्याय के नेता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के सब लोग, जमात के लोग मदद करते हैं। बिहार में हम लोग का सब एमपी जीत रहा है। यहाँ हमारा जो साहबुद्दीन साहब है, साहबुद्दीन साहब सामाजिक न्याय के नेता है, सबको विकास करते हैं, गरीब गुरबा को मान सम्मान देते हैं, काना में काना मिला के चलते हैं। यहाँ हीना साहब हम लोग के चुनाव लड़ रही है, काफी वोट से जीत रही है, चलते रही है। लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई से हम लोग खाली है। हीना साहब यहाँ से निर्विरोध चुनाव जीत रही है, पूरा जनता साथे है, पूरा जमात ऊंची और नीची जाति के सब लोग साथे है, गरीब विकास खोज रहा है। साहबुद्दीन साहब सिवान में विकास किए। अच्छा, कहीं ना कहीं 2009 में भी चुनाव लड़ी थी हीना साहब, 2014 में भी लड़ी, तो वहाँ हार मिली। हार तो इस बार की परिस्थितियाँ क्या है? तो हम बोलते हैं हार मिली इसलिए जो नरेंद्र मोदी के ढिढोरा चला, 15 लाख घोषणा चला, आए नया जुआ कुछ बहक गया। तो ये थी जनता, अब आगे चलते हैं, शहर में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, पब्लिक से पूछते हैं, पब्लिक एक्शन लेते हैं कि क्या कुछ उनका माहौल है, क्या कुछ उनका कहना है। ये तो उनके समर्थक का कहना था कि भाजपा सरकार कुछ नहीं की, लेकिन जनता क्या सोचती है इस बारे में, ये बड़ा सवाल रहेगा। हमारे साथ बनी रही। प्रतापपुर से निकल चुके हैं सिवान के हम सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में। आखिर वहाँ क्या माहौल है, लोगों में किस तरीके की बातें हैं? यहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ लोग खाने के लिए आए हुए हैं, सुबह सुबह इंतजार कर रहे हैं किसी ना किसी लोगों का, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है सिवान में चुनाव को लेकर के। क्या नाम है सर आपका? कौशलेश पाठक नाम पड़ेगा। सर क्या लगता है किस कौन जीतने वाला है? हीना साहब एक तरफ है, एक तरफ कविता सिंह है। देखिए मोदी लहर है, ठीक है, इसमें कुछ शक नहीं है कि मोदी नहीं जीतेंगे, पूरा मोदी जीतेंगे, मतलब कविता सिंह जीतेंगी। हाँ, क्या मुद्दे होने चाहिए? बस पब्लिक को क्या चाहिए, लोगों का कहना है कि लोगों का कहना है, लोगों से मिल के आ रहा है, उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में सरकार रही है, तो हॉस्पिटल्स को लेकर के बड़ी उनकी विडंबना हो गई कि डॉक्टर्स की मनचाही चल रही है। बिल्कुल चल रही है, चल रही है। किसी का कोई फीस का कोई ठिकाना नहीं है, किसी का 200 है, किसी का 50 रुपया भी है, और किसी में 200 के नीचे किसी का है ही नहीं फिक्स, 200 से नीचे किसी का। और लोगों का ये भी कहना है कि मन चाहे टाइम पे आते हैं, मन चाहे टाइम पे जाते हैं। बिल्कुल, सरकारी हॉस्पिटल में भी है, यहाँ तक कि बैंक में भी है। बैंक के कर्मी अगर किसी कोई लोन कराने चला जाए तो लोन मिलता नहीं है, बैंक कर्मी सब दौड़ दौड़ के परेशान हो जाता है, लोन कराने वाला व्यक्ति दौड़ दौड़ के परेशान हो जाता है, उसको लोन नहीं होता है। आखिर मोदी सरकार किए भी हैं तो बैंक वाले क्यों मनमानी करते हैं? 10 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है, कुछ विकास हुआ है यहाँ?
बीजेपी का सरकार में विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो किस मुद्दों पे आप बीजेपी को वोट देंगे? हमको केंद्र देखना है, देश के लिए देखना है, अपने लिए नहीं देखना है, स्टेट के लिए नहीं देखना है, अपने लिए देखना है। कोई भी नेता जीतेगा तो अपने लिए, मैंने पब्लिक अपने लिए कुछ नहीं देखता है लेकिन देश के लिए जरूर देखता है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। साहब का कहना है कि विकास नहीं हुआ लेकिन केंद्र को, यानी कि सर यानी मोदी को वोट देंगे आप, कविता सिंह को नहीं देंगे? मोदी को देंगे हम, मतलब कविता सिंह एज अ डमी कैंडिडेट समझ लीजिए उस तरीके की, जो समझ लीजिए आप। तो कविता सिंह डमी कैंडिडेट के रूप में है, यानी लोगों में मोदी के लिए वोट देने। कुछ पीछे लोग हैं, कुछ उनसे भी बातें करेंगे। और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश सिंह है। आकाश सिंह नाम आपका। क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? हिना साहब की सरकार। हिना साहब जीतने वाली है। 10 सालों से भाजपा सरकार यहाँ रही है, 2009 में भी हिना साहब लड़ी और 2014 में भी लड़ी लेकिन हार गई। तो क्या इस समय परिस्थितियाँ उनके अपने लोग ही उनको हरा देते हैं? हरा देते हैं। नॉमिनेशन में बहुत सारे लोग जाते हैं उनके साथ, बहुत सारे सपोर्ट में खड़े होते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं, बस नाम के लिए खड़े होते हैं, कोई काम नहीं कर पाता इसलिए। लेकिन इस बार बहुत कड़ी मेहनत की वजह से इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। क्या कुछ मुद्दे होंगे? बहुत सारी उम्मीदें भी। मुद्दे क्या क्या होंगे सरकार बनने? मुद्दे ये क्या चाहेंगे आप हिना साहब से कि वो सिवान जिले के लिए करें? हर साल करते आए भी, इस साल भी करेंगी ऐसी बात में। पिछले बार आज से कुछ साल पहले साहब थे हमारे एमपी साहब जी, जो एमपी बने सिवान के, बहुत सारे किए, डीएवी कॉलेज किए, राजेंद्र स्टेडियम की सब रोड सड़कें बनाई, पहले साइक टूटे। मतलब भाजपा 10 सालों में रही, कुछ नहीं की है? कुछ नहीं की, कुछ नहीं। ठीक है, आपका नाम चाचा क्या है? बहुत बुजुर्ग हैं आप लग रहे हैं। क्या नाम है? बहुत तजुर्बा होगा आपको राजनीति को लेकर के। हमारा कहने का मतलब है कि हम जाहिल आदमी बने, हमारा कुछ मालूम नहीं है, हम कुछ देखे लेना नहीं देखते हैं। आप क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है सिवान में? कौन जीतेगा, कविता सिंह जीतेंगी या फिर हिना साहब? अरे कहे का मतलब हिना साहब तो बहुत कुछ कह जाओ घरे लेकिन लोग दिखा दे उनका क्या भोगत अरे वो कहे का मतलब है कि हमने क्या मतलब सिवान के लिए बहुत कुछ किया है पहले। अब भाजपा 10 सालों से थी तो उसने कुछ नहीं किया? नहीं वो कह जा रहा करो तो सब सावधान बा। सावधान है लेकिन लोगों का कहना है कि भाजपा ने कुछ नहीं किया। सावधान तो जरूर बा, शांति बा, शांति बना हुआ है, पहले शांति नहीं थी। अरे वही मैं चिंता कहाँ नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग हैं इनसे बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? जयनारायण शास्त्री। क्या लगता है, आप तो लोगों से मिलते जुलते होंगे, बाबा हैं पंडित जी हैं, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है यहाँ सिवान? आप देखिए दोनों टक्कर है, अब किसका सरकार बनेगा? मतलब लोगों में चर्चा होती होंगी कि यहाँ हिना साहब जीतेंगे, कविता सिंह जीतेंगे, अमर यादव जीतेंगे, कौन किसकी ज्यादा चर्चा है? ना अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए जीतने के बाद? सिर्फ विकास का मुद्दा है और क्या? 10 सालों से भाजपा सरकार रही है, विकास हुआ है? विकास अब अभी तो कुछ पता चला नहीं विकास का, लेकिन विकास क्या शांति है? 10 साल आपने दिया है भाजपा सरकार को, अभी भी फिर से देंगे 5 साल और? यहाँ तो भाजपा है ना, तो जेडीयू ना है, जेडीयू लालटेन है। जेडीयू लालटेन है लेकिन जेडीयू ने भाजपा से गठबंधन कर लिया है। जी जी, अब दोनों का टक्कर है यहाँ पर, टक्कर है। और कुछ भैया लोग? भैया क्या नाम है आपका? अली नाम है। अली नाम। किसकी सरकार बनने जा रही है आप? हिना साहब। हिना साहब की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, लोगों का आरोप है कि 10 सालों से भाजपा सरकार रही लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जब से जीते हैं ना इधर झांकने भी नहीं आते। नहीं आते झांकने, मतलब देखने भी नहीं आते नहीं। अच्छा ठीक है, लोगों का आरोप है कि डॉक्टर अपनी मनचाही कर रहे हैं सिवान में। हाँ, बहुत ज्यादा मनचाही वसूल करते हैं वो लोग। ठीक है, 2009 में भी हिना साहब चुनाव लड़ी थी, 2014 में लड़ी थी, कुछ क्या इस बार परिस्थितियाँ बदलेंगी कि वो जीत पाएंगी? 100% जीत रही हैं, जीत रही हैं। और डॉक्टर का भी फीस 50 रुपया होगा, एकदम 100%। ठीक है, और लोग हैं, बच्चे हैं, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? शैलेश। क्या लगता है किसको किसको वोट देना चाहिए? मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी को देना चाहिए, क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं। तुम क्या काम करते हैं बताओ बताओ? बहुत काम किए हैं। क्या क्या काम किए? जैसे किसानों के काम किए हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? चलिए, क्रिकेट खेलना पसंद है? किसकी तरह बनना है? किसकी तरह बनना है? धोनी। चलो ठीक है। बोले बोले बोले। और भी लोग हैं यहाँ, इनसे बात कर। क्या नाम भी आपका? जितेंद्र पांडे। पांडे जी ये बताएं
क्या लगता है सिवान में विकास को लेकर के अब किसको देना चाहिए वोट? हीना साहब को देंगे वोट। लोगों का आरोप है कि 2009 में 2014 में वो हार गई थी, तो इस बार क्या परिस्थितियाँ बदलेंगी? परिस्थितियाँ बदलेंगी, देखिए जो 10 साल जो रहे हैं ओम प्रकाश यादव कुछ नहीं किए, ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे 18 महीना थे, तो इतना विकास काम किए हैं कि पूरे मतलब हमको लग रहा है कि अवार्ड मिला था कि 18 महीने में कोई विकास के काम नहीं किए, दूसरा कोई नेता कहीं भी नहीं किया। जवाब सुनिए, 18 महीने में ऐसा बदलाव जो भाजपा 10 सालों में नहीं कर पाई, ये ऐसा लोगों का कहना है। आखिर महिलाओं के पास क्या सोच है, उनसे भी बात करेंगे। चाची जा रही हैं, चाची रुकिए, चाची चली गई, कोई बात नहीं, और लोगों से बात करते हैं। बेटा इधर आओ, क्या नाम है? आदित्य राय। आदित्य नाम है, क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? मोदी जी को। मोदी जी को ही दोगे? क्या लगता है मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? बहुत कुछ किया है। क्या अच्छा लगता है? बहुत विकास किया, बहुत सारा निकाले है, बहुत सारा विकास किया है। विकास किए हैं, लेकिन तुम्हारे देखो भैया लोगों का कहना है कि विकास नहीं किए हैं। कैसे जवाब दोगे इनको? हम क्या जवाब? कौन सी क्लास में हो? हम 5 में। 5 में हो? हाँ। कौन कौन सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है? क्या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। क्या नाम है आपका? हम क्या बताएं सर, नाम बताएं, बोला नाम है। क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? कविता सिंह जीतेंगी, कविता सिंह जीतेंगी या फिर हीना साहब जीतेंगे? 110% हीना साहब जीतेंगी। हीना साहब जीतेंगी। अच्छा, लोगों का कहना कहीं ना कहीं कि 2009 में चुनाव लड़ी, 2014 में भी लड़ी, हार गई, क्या इस टाइम परिस्थितियाँ कुछ बदलेंगी? ये सब मोदी का लहर था उस टाइम, ठीक है, तो क्या मोदी का लहर नहीं है? अब मोदी का लहर खत्म हो गया है। अच्छा, 10 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार रही है, विकास हुआ है? कहाँ हुआ है विकास? जो MP साहब काम करा दिए, जो साबुद्दीन करा दिए, वो कोई करा सकता है? उनके विकास जो हुआ है उस पर आज तक साला पेंट भी नहीं चढ़ा। काम गिनवाइए उनके, काम गिनवा दीजिए। क्या काम गिनवाए? चलिए काम गिनवाता हूँ, मेडिकल, सदर अस्पताल, एति ब्रिज, ओवर ब्रिज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, क्या नहीं है सिवान में? हॉस्पिटल आज जाके देखिए इसका हाल, हॉस्पिटल का हाल क्या हुआ है? कोई विकास नहीं हो रहा। लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा आज के रेट में, अभी के रेट में जिससे पूछ रहे हैं, वही कह रहा अस्पताल है जो 18 महीनों में शहाबुद्दीन करके चले गए, न जाने भाजपा को 10 साल लगेंगे या फिर 10 साल आने वाले लगेंगे, 10 सालों में वो पूर्ति नहीं कर पाई। वैसे आज हम अस्पताल यानी हॉस्पिटल की भी पड़ताल करेंगे, लोगों की शिकायत है, कोई मीडिया नहीं पहुंच पाती है, कुछ लोगों का कहना है मीडिया बिकाऊ है, उस पर कितने सवाल हैं, कितने जवाब हैं, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिजीत कुमार नाम है आपका। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी तो कविता सिंह लॉयर चल रही है। लोगों का आरोप है, भैया ने आरोप लगाया कि 10 सालों से सरकार रही है भाजपा की सरकार रही है, कुछ विकास नहीं हुआ, 18 महीने में शहाबुद्दीन कर दिया। सर ये पहले बात थी कि कितना भी विकास हुआ है, तो अभी तो पहले से जो विकास था बाकी था, तो अभी धीरे धीरे जो होगी, क्योंकि नरेंद्र क्या विकास हुआ है गिनवाइए। सर अभी तो नोटबंदी पर लागू हुआ था, जिसमें बहुत सारे नोटबंदी लागू हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, ये विकास है। सर्जिकल स्ट्राइक को कहीं ना कहीं भाजपा है, विकास है। नहीं, मैं आप सिवान की बात कर रहे हैं, एक मिनट, सिवान की बात कीजिए कि क्या विकास भाजपा सरकार में हुए हैं? अभी तो नहीं हुई है, यहाँ पे तो नहीं हुई, राष्ट्रहित में हो रही है। भैया आप सिवान में रहते हैं, सिवान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित के लिए हम लोग सोच रहे हैं, लोग राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, यानी मोदी को वोट देंगे ना कि कविता सिंह को? जी, ओनली फॉर मोदी, ठीक है। तो कुछ लोग RJD को ताल्लुक रखते हैं, कुछ लोग भाजपा में जा रहे हैं, कुछ JDU के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है हॉस्पिटल्स को लेकर के, विकास को लेकर के, कि जो 10 सालों में नहीं कर पाया भाजपा JDU ने, वो सिर्फ और सिर्फ 18 महीनों में शहाबुद्दीन ने कर दिखाया था। कुछ लोग भाजपा को सपोर्ट किए, कुछ लोग राजद पे गए, कुछ लोग JDU पे। तो ये थी सिवान की जनता की राय, सफर हमारा लगातार आगे बढ़ेगा। कैमरा मैन किशन सिंह के साथ ES News।